सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। क्या आप जानते हैं कि माइट्स यानी मकड़ियों के 6000 से अधिक प्रजाति होती हैं? इनमें से रेड स्पाइडर माइट, टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट, यूरोपियन रेड माइट, येलो माइट, स्कारलेट रेड और गॉल माइट के बारे में हम ज्यादातर चर्चे करते हैं। हालांकि सभी माइट प्रजाति पौधों को भारी नुकसान पहुँचाता है और हफ्तों के भीतर एक पूरी फसल को नष्ट करने की क्षमता इनमें होती है। सूखा और गर्मी से तनावग्रस्त पौधे माइट द्वारा संक्रमण से अधिक प्रभावित होते हैं। गर्मी के महीनों में मकड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ती है। स्पाइडर माइट्स आमतौर पर पत्तों के नीचे कॉलोनियों का निर्माण करते हैं, लेकिन अधिक संख्या होने से ये पत्तों की ऊपरी सतह पर चले आते हैं। युवा और वयस्क मकड़ियाँ पत्तियों के ऊतकों को खुरचते हैं और कोशिकाओं को खुरचकर क्लोरोफिल चूसते हैं। खुरचते समय मकड़ियों की लार में उपस्थित वायरस पत्तों में पहुंचकर वृद्धि करता है, जिससे पत्तियाँ ऊपर व नीचे की तरफ मुड़ जाती है। आखिरकार पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाने की वजह से मर जाते हैं, जिससे पैदावार में भारी गिरावट आ जाती है। मकड़ियों की खुरच कर खाने की आदत के कारण रसायन का उचित मात्रा उनके पेट तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का आहार करते हैं। अंत प्रवाही कीटनाशक माइट्स का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। केवल ट्रांसलैमिनर रसायनों जो क्लोरोफिल में रह जाते हैं माइट्स का नियंत्रित कर सकते हैं। क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन कृषि व्यवसाय में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है, जिनका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन उत्पादों को कृषक भाइयों तक पहुँचाना है, जो कि कठोर से कठोर परिस्थिति में भी खेतों की उत्पादकता को बढ़ाकर कृषक भाइयों के लाभ में वृद्धि कर सके। क्रिस्टल आरएनडी टीम इस भावना को केंद्र में रखकर निरंतर नई प्रौद्योगिकी के विकास में लगे हुए हैं। इस प्रयास का एक उत्कृष्ट परिणाम है एबसीन, एक शक्तिशाली माइट नाशक जो पूरी तरह से माइट्स का सफाया करता है। नए तकनीक से बना हुआ एबसीन की विशिष्ट क्रियाशीलता के जरिए कीटों का नियंत्रण संपर्क, उपचारित पत्ती पर चलने तथा उपचारित पत्ती खाने से होता है। 2 घंटे के अंदर उनका पैरालिसिस हो जाता है और फसल के नुकसान भी 2 घंटे में बंद हो जाती है। कीटों की किसी भी स्थिति में बचने की संभावना नहीं रहती। एबसीन का ट्रांसलैमिनर क्रिया के कारण दवाई का संचलन पत्ती तक ही सीमित रहता है। छिड़काव करने के आधे घंटे के अंदर पत्ती में प्रवेश करता है और पत्ती की निचली हिस्से तक पहुंचकर पत्ती को कीटों के लिए एक जहरीले कुंड बना डालता है। इसलिए एबसीन की क्रियाशीलता पर वर्षा तथा धूप का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कीटों का लंबे समय तक नियंत्रण होता है। एबसीन की वर्षा दृढ़ता 2 घंटे की है, जो अन्य उत्पादों की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली है। एबसीन थर्मोस्टेबल होने के कारण 40 डिग्री से लेकर 48 डिग्री के उच्च तापमान में भी कारगर है। एबसीन की आणविक संरचना में कार्बन परमाणु के उच्च संख्या की उपस्थिति के कारण उत्कृष्ट पौधवर्धक क्रिया दर्शाता है। उपयोग के संग संग पत्ती में प्रवेश कर पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अतिरिक्त मदद करता है। पौधों पर फल फूल ज्यादा आते हैं तथा पैदावार अधिक होती है। एबसीन इस्तेमाल किए गए सब्जियों एवं फलों के घरेलू प्रयोग तथा निर्यात आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि छिड़काव का अवशेष पत्तियों के अतिरिक्त फलों तथा सब्जियों पर छिड़काव के कुछ समय बाद ही समाप्त हो जाता है। एबसीन पर्यावरण तथा मनुष्य पशु पक्षी के लिए बिल्कुल सुरक्षित होने के कारण आईपीएम सहायक कीट प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल है। एबसीन का प्रयोग कीटों की प्रारंभिक अवस्था में मुख्यतः अंडा अवस्था पर ही शुरू करें। छिड़काव करने के लिए पानी की प्रचुर मात्रा का प्रयोग अवश्य करें। एबसीन का प्रयोग लगातार 2 बार करने के बाद तीसरा छिड़काव अन्य मकड़ी नाशक का करें, जिससे कीट प्रतिरोधकता से बचा जा सके। एबसीन का उपयोग प्रचलित कीटनाशकों के साथ आसानी से किया जा सकता है।
अबासीन 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी की मात्रा से प्रयोग करें। जो किसान अबासीन उपयोग करते हैं उनकी फसल और क्वालिटी होती है दुगना। इससे वे बनते हैं गांव में सम्मान के हकदार और नंबर वन किसान। आप भी आजमाएं और जल्द ही किसानों के राजा कहलाएं। क्रिस्टल का अबासीन शक्तिशाली माइट नाशक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पिकहट इंडिया चैनल को।